205 रुपए टिकट के प्राइस। जिस स्पीड से रोप वे चल रहा है इससे तेज तो मेरे को लग रहा है मैं ही पहुंच जाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। जय भोलेनाथ की। चिंता नहीं किसी बात की। मैं हूं आपका दोस्त विकास शर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैवल मस्ती में। तो सबसे पहले तो व्यू देखो यार, क्या ऑसम व्यू आ रहा है। वो सामने हिमालय की पहाड़ियां नजर आ रही है और साथ में ये खूबसूरत वादियां। आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड के एक बहुत ही ज़्यादा फेमस और धार्मिक स्थल में, जो कि है माता सुरकुंडा देवी टेम्पल। और ये जगह धनोल्टी और कानाताल के बीच में पड़ती है। और अभी जैसे सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस लोकेशन है धनोल्टी। तो अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं तो माता सरकुंडा देवी टेम्पल जरूर आइए। तो आप लोग यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो चलिए चलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। सुरकुंडा माता मंदिर एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध और पुराना मंदिर है और पौराणिक कथाओं के अनुसार ये 51 शक्ति पीठों में से एक है। तो यहाँ पहुंचने के लिए आपको देहरादून के मसूरी रोड होते हुए आना पड़ेगा धनोल्टी रूट पर। एंड मेक श्योर कि धनोल्टी वाला मोड़ आप लोग मिस ना करें, क्योंकि अगर आप इस मोड़ से आगे निकल गए तो आपको 10 किलोमीटर का गोल गोल राउंड घूम के आना पड़ेगा और पेट्रोल बड़ा महंगा है रे बाबा, तो मोड़ भूलने का नहीं। तो दिसंबर का मंथ ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है एंड बहुत ही जल्द धनोल्टी और मसूरी में स्नोफॉल पड़ने वाला है। उस टाइम पे ये जो खूबसूरत पहाड़ियां आपको अभी दिख रही हैं ये पूरी की पूरी बर्फ से ढकी हुई होती हैं। तो अब हम लोग भी इन खूबसूरत वादियों का मजा उठाते हुए पहुंच चुके हैं सुरकुंडा माता मंदिर। हम लोग पहुंच चुके हैं माँ सुरकुंडा देवी टेम्पल और ये मेरे पीछे आप लोग जैसे देख सकते हैं कि दुकानें बनी हुई हैं और यहाँ से आप लोग पूजा सामग्री वगैरह ले सकते हैं। और ये रहा रास्ता ऊपर जाने का, तो अभी चलते हैं यहाँ से फटाफट ऊपर और करते हैं माता के दर्शन। तो ये 100 रुपये में आपको यहाँ पे प्रसाद मिल जाएगा और ये सारा का सारा नारियल चुनरी और सूखा प्रसाद सारा आपको 100 रुपीज में यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, 100 रुपये है ना भैया? हाँ, 100 रुपये है यहाँ पे जो चार्जेस है। तो माता की चढ़ाई हम लोगों ने शुरू कर दी है। अभी ये पौड़ियाँ बनी हुई है तो ये थोड़ा सा ही आगे जाके आपको रोप वे भी मिल जाएगा। तो अभी ऊपर चलेंगे और रोप वे के चार्जेस भी पता करेंगे कि कितने हैं। आगे जाके जो ये पौड़ियाँ हैं ये खत्म हो जाती है और प्लेन रास्ता हो जाता है। तो जैसे कि संडे का दिन है तो भीड़ होना तो लाजमी है। जो बेसिकली 51 जो शक्तिपीठ हैं उनमें से एक शक्तिपीठ है माँ सुरकुंडा देवी टेम्पल, इसलिए भी बहुत ज़्यादा मान्यता है इसके। और भीड़ देख के आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि कितनी मान्यता है इस जगह। सुरकुंडा माता मंदिर माँ सती को समर्पित है और आप किसी भी मौसम में यहाँ जाइए आपको भक्तों की भीड़ हमेशा यहाँ पे मिल जाएगी। देहरादून से यह जगह सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर और मसूरी से 38 किलोमीटर दूर है। तो ये रोपवे का पॉइंट है, यहाँ से आपको रोपवे की सुविधा भी मिल जाएगी। 205 रुपये टिकट के प्राइस है यहाँ। तो ये पीछे रोपवे का पॉइंट था, यहाँ से आप लोग रोपवे के थ्रू भी ऊपर जा सकते हैं। जिसको पैदल चलने में दिक्कत है वो रोपवे का यूज कर सकता है। 205 रुपये टिकट चार्जेस है और जो टाइमिंग है वो 9 बजे से लेके 5 बजे तक है। तो माता का नाम लेते लेते हम रोपवे का यूज ना करके यूज करेंगे अपने उस 11 नंबर की गाड़ी का और चढ़ते चढ़ाई। जय माता दी। वो रहा ऊपर माता का मंदिर, वहाँ उस चोटी पे जो चढ़ाई है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि रास्ता बहुत अच्छा है, सीढ़ियाँ नहीं है। जो दिक्कत आती है वो सीढ़ियों में आती है चढ़ने में। तो अगर आप थोड़ा सा भी ट्रैक करने वाले हो तो आपको डिफिकल्ट नहीं होने वाला है रास्ता। 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है जो आई थिंक बहुत ईजिली आप लोग कर सकते हो। रुको जरा, सबर करो। थकान लग गई। तो अगर आप भी मेरी तरह चलते चलते थक गए हैं तो इस तरीके से जो बेंच है वो जगह जगह लगाए हुए हैं, आप लोग यहाँ बैठ के थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हैं। माता रानी और भगवान हमेशा इतनी पहाड़ों पे क्यों बसे होते हैं ये आज तक मुझे भी समझ नहीं आया। आपको बताओ तो कमेंट जरूर करना यार।
जिस स्पीड से रोप वे चल रहा है इससे तेज तो मेरे को लग रहा है मैं ही पहुंच जाऊंगा। थकान कैसे लग सकती है, ऐसे व्यू देख के थकान कैसे लग सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं और ये पीछे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग अपने बूट उतार सकते हैं और सामने बिल्कुल मंदिर है। तो चलते हैं अंदर और करते हैं माता के दर्शन। जय माता। तो ये आप लोग देख सकते हैं किस तरह भीड़ है। हम लोग पहुंच चुके हैं माँ सरकंडा देवी के मंदिर में। जय माता दी। और मेरे पीछे आप लोग जैसे देख सकते हैं कि हिमालय की पहाड़ियां नजर आ रही है और बहुत ही ज्यादा भव्य मंदिर है ये। आज संडे का दिन है तो सब लोग माता के दर्शन करने आ रखे हैं, तो हम भी चलते हैं अंदर और करते हैं माँ के दर्शन। कहते हैं कि पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति जो कि माँ सती के पिताजी थे, जब उन्होंने यज्ञ किया था तो उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था और भोलेनाथ जी के बार बार मना करने के बावजूद भी जो माता सती है वो अपने पिता के घर चली गई, ये कह के कि अपने ही घर में निमंत्रण की क्या जरूरत। लेकिन जब वो वहां पे पहुंचती हैं और जैसा कि देखती हैं कि वहां पे सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया होता है, शिव प्रजापति भगवान शिव का अपमान करते हैं, तो भगवान शिव का ये अपमान माता सती सहन नहीं कर पाती और वहीं अग्नि कुंड में सती हो जाती है। जिसके बाद जो भगवान भोलेनाथ होते हैं वो माता शरीर पार्थिव शरीर को लेकर सारी दुनिया में भटकते हैं और बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तो उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान जो विष्णु जी हैं वो अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और उन्हीं में से एक अंग जो माता सती का सर होता है वो यहाँ इस जगह पे आके गिरता है और इसीलिए इस जगह को माँ सरकुंडा देवी मंदिर कहते हैं। होने को आ गई है और सूरज भी ढलने वाला है और इसी के साथ हम भी खत्म करते हैं आज का अपना ये ब्लॉग माँ सरकुंडा माता मंदिर के टेंपल में। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में उत्तराखंड की फिर से किसी खूबसूरत लोकेशन के साथ। तब तक के लिए बी से बी हेल्थी, जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। बाय बाय।